Hi, this is Anuja Kapoor and I'm a criminal psychologist. आपने देखा होगा शादी से कुछ दिन पहले बटरफ्लाई सी नहीं आती है पेट में, कितना अजीब लगता है वो माहौल, लोग आपके घर में, मेहंदी, कपड़े, वेडिंग नाइट, अजीब लगता है ना वो जो फीलिंग एक आती है पेट में, जो बटरफ्लाइज आती हैं। क्यों ना आज हम उस बटरफ्लाइज के बारे में बात करें, क्या होता है ये वेडिंग स्ट्रेस, क्यों, क्या फीलिंग होती है उस दौरान जब एक औरत और एक आदमी इस अटूट बंधन की तरफ निकलते हैं। हमारी इंडिया, हमारे कल्चर में, हमारे खून में ये चीज़ है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ जब बनते हैं तो जो माहौल होता है, वो प्यार होता है, वो एक इटर्नल लव माना जाता है, इटर्नल बॉन्डिंग माना जाता है। और आपके इस इंटरनल बॉन्डिंग को सेरेमोनियल मैरिज कहा जाता है। तो वो एक फीलिंग जो आपके अंदर आती है, अगर आप अरेंज मैरिज के लिए जा रहे हैं या लव मैरिज है, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, डजंट मेक, फर्क है थोड़ा सा, थोड़ा सा। कहीं ना कहीं जो ये अरेंज मैरिज आ जाती है, एक लड़का एक लड़की जो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, सबसे पहले बटरफ्लाइज मैं कहूँगी कि सिर्फ एक लड़की के पेट में होती है, दोनों में फील होता है। लड़का भी एक लड़की को नहीं जानता और लड़की भी लड़के को नहीं जानती। पहली बारी में दो घंटे में, तीन घंटे में कितना पहचान सकते हैं आप किसी को? दो क्वेश्चंस आपने पूछ लिए, दो क्वेश्चंस हमने पूछ लिए, क्या उसके अंदर हम उस आदमी के बारे में पहचान पाएंगे? जुआ है, भर पड़ सकता है, डर यही लगता है। उस वक्त जब वो देखने आते हैं तो कितने हाथ ठंडे हो जाते हैं, पसीना नहीं लगता है, डर लगता है, पता नहीं पसंद आओगी कि नहीं आओगी। और जब पसंद आ जाते हैं शादी के दौरान, उस आदमी को थोड़ा सा जान पाते हैं, बाहर माँ बाप अलाउ करें नहीं करें, कम्युनिटी अलाउ करें नहीं करें, क्या होता है? तो ये जो वेडिंग स्ट्रेस है वो सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं दिखता, हर जगह है, एक इंसान में, ह्यूमन नेचर में नजर आएगा। लड़की जो हमारे इंडियन कल्चर में है, वो एक लड़की से शादी नहीं करती, पूरे परिवार से शादी करती है। और जब वो पूरे परिवार से शादी करती है तो रातों रात उस लड़की का चेंज इन वेरियस रोल्स में आ जाता है। वो औरत लड़की से औरत बन जाती है, वाइफ, बेटी थी, मदर, मदर आने वाले वक्त में मदर इन लॉ और अभी डॉक्टर इन लॉ। तो वो जब सबको देखती है, घर के एटमॉस्फेयर को देखती है, हमारे इंडियन में लड़की चेंज होती है, लड़के लोग चेंज नहीं होते, वो वैसे ही रहते हैं। तो ये जो चेंज है, और हमारे माँ बाप जो हमें सिखाते हैं बचपन से कि अपने आप को चेंज करो, अपने आसपास की सराउंडिंग से चेंज करो, तुम उनको चेंज करने के लिए मत करो, तो इसका डर कि क्या मैं उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरूंगी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, पता नहीं पहली बार खाना बनाऊंगी तो कैसा लगेगा। और जो हॉस्पिटैलिटी होती है, पैर छूना, शर्माना, कपड़ों के बारे में, घर में बड़े हैं, बूढ़े हैं, जॉइंट फैमिली है, तो जो बच्चे पहले से जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली में जाते हैं, तो उसका डर, कितने रिश्ते हैं निभाने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप डर जाते हैं मन में। ये वेडिंग ब्लूज हैं, पता नहीं प्रोग्राम सही टाइम पर शुरू होगा कि नहीं, मेरी शादी के कपड़े आए कि नहीं आए, पता नहीं मेहंदी वाले को बोला था कि नहीं बोला था मम्मी ने, केटरर्स का क्या हाल है, पता नहीं लड़का ने अभी तक उन्होंने कैसे करा, मेरी रिंग आई कि नहीं आई, हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे, हनीमून की रात को क्या होगा, कितनी बातें, वो डर, पता नहीं मैं एक अच्छी बीवी बन पाऊंगी कि नहीं, कहीं महज के चांद में कुछ पीछे रह गई या बहुत ज़्यादा बोल गई तो,
सब लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ों से निकलते आए हैं। लव मैरिज में लड़का लड़की एक दूसरे को चाहते हैं, पर एक बात बताऊँ, जब तक एक दूसरे के साथ रात ना बिता लें, वक्त ना बिता लें, हम किसी को नहीं जान पाते। शादी के दौरान लड़का हम या लड़की, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, ये जो दिल की धड़कन है ना, उसका जाहिर से भागना, और वो भागता है बहुत तेज, बहुत दूर। इन धड़कनों को ही काबू करने की जरूरत है। खूबसूरती खराब कर दोगे अपने, ये जो सुंदर सी शक्ल है ना, सब डबल जाएगी। तो क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले कहूंगी रिलैक्स, ये खुशी का टाइम है, इसको जी प्यार से। मुझे लगता है तुम्हें स्पा के लिए जाना चाहिए, दोस्त बुला लो, क्लबिंग करो, पब में चले जाओ। ये भी कर सकते हैं, कितनी पार्टीज होती है ना, खूब एंजॉय करो, मसाज करवाओ, प्लान आउट करो, लिस्ट में लिख लो क्या क्या चाहिए। पता है, डर अगर दूर करना है ना, तो उसको जीतना बहुत जरूरी है। उसको अपने दिल में मत रखो, कागज पर लिखो क्या क्या चीज़ों का तुम्हें लगता है कि तुम्हें डर लग रहा है। ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी चीज़ है, जितनी जल्दी ऑर्गेनाइज कर लोगे अपने स्केड्यूल को उतना अच्छा रहेगा। और उस स्केड्यूल में अपने फियांसी को डालना और घूमना, खूब बातें करना, डर कम हो जाएगा। जानने की कोशिश करना माँ बाप कैसे हैं, घर का एटमॉस्फेयर क्या है, क्योंकि लड़का है ना, वही तुम्हें इंट्रोड्यूस करेगा। थोड़े स्टार्टिंग में तो लड़का भेज के जाता है, तो डरना मत कि लड़का जो है वो हिचकिचा रहा है, पता नहीं शर्म अच्छी नहीं लग रही, हाथ आगे बढ़ाए तो हाथ पीछे कर लो, तो ऐसे मत करना। थोड़ा बहुत टचिंग चलता है, वो फिजिकल फीलिंग रहती है। काउंसलर्स के पास जाना, कोशिश कर सको तो अपने फियांसी को कर दो। हमारे इंडिया में बहुत काउंसलर्स हैं, मैं खुद एक काउंसलर हूँ, बहुत लोगों को काउंसिल किया है। डरने की कोई बात नहीं है, पता है काउंसलिंग करने से अच्छा वक्त निकलता है। और दूसरा ये है कि एक दूसरे को समझ पाते हैं, हो सके तो पेरेंट्स भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं। पता है कितना पैसा खर्च होता है मैरिज में, इसलिए डर लगता है कि डिवोर्स की तरफ ना जाए, तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। ये जो कंपैटिबिलिटी है ना एक आदमी एक औरत की, और ये जो ईगो फैक्टर आ जाता है, कई लड़कियाँ काम भी करती हैं, तो पहले ही से ही सब चीज़ें पूछ लो, बात कर लो, डरने की क्या बात है। बाद में जाके वो कुछ बोले या नहीं बोले तो तब देखेंगे, बट टॉक अबाउट इट बिफोर यू गो इन टू द हाउस। टॉक टू योर फियांसे अबाउट द प्लान्स यू वांट टू मेक, बच्चों के क्या नाम है, कौन सी जगह पे हनीमून पे जाएंगे, और क्या मैं काम आगे कर सकती हूँ, मम्मी पापा को बुला तो नहीं रहेगा, और अगर है तो क्या तुम मेरा साथ दोगे। बहुत चीज़ें हैं, इन सबको बैठ कर आराम से सोचने की बात है, सिर्फ छोटा सा ऑर्गेनाइज करना है। एंड यू आर नो मी, गुड टू गो। मुझे नहीं लगता और कि लड़कियां जहाँ पर बटरफ्लाइज नहीं होती वहाँ पर मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं होती। सब चीज़ ठीक हो जाएगी, सबसे बड़ी चीज़ विश्वास रखना अपने आप पर। इतनी चीज़ों से निकल कर आई हूँ, नया बर्थ है, नया जन्म है, नई जिंदगी शुरू करने वाली, विश्वास रखना अपने आप पर, अपनी वैल्यूज पर, और वही करना जो तुम्हें ठीक है।